तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, और हम बात करने वाले हैं इस ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि रॉक के रिटर्न के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है इन द WWE, और ये है कि क्यों कोडी रोड्स ही वो सही बंदा है जिसको रोमन रेंज की स्टोरी और अपनी स्टोरी आने वाली रेसलमेनिया 40 में खत्म करनी चाहिए। आई नो कि बहुत सारा डिवाइडेड फैन बेस है इस टाइम पे कि रॉक वर्सेस रोमन चाहिए, कोडी वर्सेस रोमन चाहिए। हम बात करेंगे किस तरीके से दोनों मैच WWE कर सकती है, लेकिन कोडी वो बंदा है, क्या वो रीजंस है मेरे हिसाब से कि कोडी रोड्स ही वो बंदा है जिसको ये स्टोरी खत्म करनी चाहिए इन हिज रेसलमेनिया ड्रीम। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे, और इससे पहले कि हम टॉपिक में जाएं, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे भी हमने काफी सिमिलर पॉडकास्ट करा था, लेकिन वहां पे डिफरेंस ये है कि हमने बात करी थी कि कौन रोमन का रेसलमेनिया पे ओपोनेंट होना चाहिए, कैसे WWE पूरी सिचुएशन को टैकल करेगी, और यहां पे हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कोडी के बारे में। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं सुना, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, बहुत कमाल की चीजें आने वाली हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज, रैंकिंग ऑलरेडी हो रही है, वहां जाके भी फॉलो कर देना, बिल्कुल भूलना मत। अब पहली चीज की जो बात करना मैं चाहता हूं मंडे नाइट रॉ के बाद, वो ये है कि रॉक के आने के बाद सारी चीजें बदल गई हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि WWE रॉक वर्सेस रोमन रेंस मैच प्लान कर भी रही है इस साल रेसलमेनिया के लिए, और उसका रीजन मेनली ये है कि हमको क्लियरली आइडियाज दिख रहे थे भाई CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, और ये दो नाइट के दो मेन इवेंट, और WWE की रेसलमेनिया सेट इन स्टोन लग रही थी। रॉक के वापस आने से ना ही सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ गई है, लेकिन WWE के लिए थिंकिंग भी बढ़ गई है कि कहाँ पे वो मैचेस करने वाले हैं सारे। ऑब्वियसली जैसे कि मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, क्या रॉक को कोई जरूरत है उस चीज को इंटरप्ट करने की जो कि WWE इतने टाइम से बिल्ड कर रही थी। और मैं बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स की स्टोरी की। लास्ट ईयर रेसलमेनिया में मेरी तो पर्सनल बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि कोडी रोड्स विल बीट रोमन रेंस, फिनिश स्टोरी, बिकम द यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो बहुत जल्दी था, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स को बर्बाद कर दिया WWE ने, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रोमन को हराएं। लेकिन हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बुकिंग की, ट्रिपल एच की, कि किस तरीके से उनका जो विजन है हम सबसे आगे है, और वो अभी जो चीजें कर रहे हैं वो किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं। तो क्या रॉक को इंटरप्ट करना चाहिए स्टोरी को? मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दिस इज मच मच बिगर लॉन्ग टर्म बुकिंग में, अगर मैं एक्चुअली WWE की बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉक यहां पे इतने टाइम के लिए होने नहीं वाले। भले ही उनका मैच रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया में भी हो जाए, वो कोई फुल टाइम सुपरस्टार अचानक से नहीं बन जाएंगे इन द WWE। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि कोडी रोड्स अगर रोमन रेंस से रेसलमेनिया में नहीं लड़ेंगे तो कोडी रोड्स करेंगे क्या? इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मंडे नाइट रॉ में जबरदस्ती कोडी को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करा जा रहा है ताकि वो टाइम पास हो सके, किसी ना किसी तरीके से WWE रेसलमेनिया तक पहुंच सके और रोमन के साथ उनका मैच कर सके। और वो बात बहुत क्लियर थी जजमेंट डे के साथ, कितने टाइम तक वो लड़ते रहे, अब नाकामुरा के साथ वो लड़ रहे हैं, लेकिन कभी तो ये सारी चीजें खत्म होंगी। और कंसिडरिंग कि कोडी रोड्स इतना बड़ा टॉप बेबी फेस है, तो वाई विल WWE वेस्ट हिम और उनको एक ऐसे मैच में डाल देंगे जो कि मैटर नहीं करता, जो कि रोमन वर्सेस कोडी से बहुत ही नीचे है। अब लोग बोलते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स, पहली बात तो दोनों अलग अलग शोज में हैं, और वो फ्यूड विदाउट अ चैंपियनशिप उतनी बढ़िया नहीं लगेगी जितनी विद अ चैंपियनशिप लगेगी, बिकॉज वो नेक्स्ट जो रोमन रेंस के बाद की कहानियां WWE में देखने को मिलेंगी उनमें से वो एक टॉप टॉप फ्यूड है जो कि मैं कोडी और रैंडी ऑर्टन की देखना चाहूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, लेकिन इसका एक और पार्ट है कि क्या कोडी रोड्स अब रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर नहीं, बिकॉज अगर रोमन रेंस रॉक के साथ लड़ने वाले रेसलमेनिया में, इसका मतलब ये है कि CM Punk विल विन द रॉयल रंबल मोस्ट लाइकली, और उस सेथ को चैलेंज करेंगे एट नाइट वन ऑफ रेसलमेनिया। तो कोडी रोड्स रॉयल रंबल भी नहीं जीतेंगे, कोडी रोड्स रोमन रेंस से भी नहीं लड़ेंगे, तो कोडी रोड्स आखिर करेंगे क्या? और कोई अपोनेंट ऐसा नहीं है पूरे रोस्टर पे, कोई ऐसा नहीं है, ब्रॉक के साथ कोडी का मैच हो चुका है, सेथ ऑलरेडी बिजी है, रोमन रॉक हो रहा है, तो कहां आखिर कोडी रोड्स जाएंगे भाई अपनी स्टोरी खत्म करने? नाकामुरा के साथ उनका फिर से रेसलमेनिया में मैच नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि इतनी स्टूपिड है WWE कि एक बड़े बड़े लॉन्ग टर्म स्टोरी प्लान को खत्म कर देगी, खराब कर देगी जस्ट बिकॉज ड्वेन जॉनसन इज बैक। और ड्वेन जॉनसन द रॉक की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्यों WWE के लिए रॉक वर्सेस रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में करना इज द बेस्ट सेंस। सबसे सेंसिबल चीज यही है कि रॉक और रोमन रेंस का मैच हमें एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिले। अब मैंने पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं ये बात मेंशन करी थी कि क्या एलिमिनेशन चेंबर बहुत छोटा पेपर व्यू है, लेकिन सोचने के बाद, फाइनली इस चीज को देखने के बाद कि WWE किस तरीके से लॉजिकली सारी चीजें प्रेजेंट कर सकती है और ये दोनों मैच कर सकती है, रोमन रेंस वर्सेस रॉक चेंबर में ना हो उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये कोई ऐसे रैंडम किसी अरीना में US के अंदर नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी इसकी वैल्यू नहीं है कि एलिमिनेशन चेंबर एक छोटा शो है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, 70,000 ऑलमोस्ट लोग वहां पे आने वाले हैं, और वो शो सोल्ड आउट जैम पैक्ड करने के लिए
रॉक वर्सेस रोमन रेंस एक ऐसा मैच है जो कि गारंटी कर देगा उस चीज को, हो ही नहीं सकता कि वो शो सोल्ड आउट ना हो अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक हो रहा है एलिमिनेशन चेंबर में, और इतना बड़ा मैच हो रहा है चेंबर के अंदर, उससे पता लगेगा कि वो पेपर व्यू के स्टेक्स कितने हाई हैं गोइंग इनटू रेसलमेनिया दोनों रोमन रेंस और कोडी रोड्स के लिए। क्योंकि अगर रोमन रेंस रॉक को हरा देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी चांस है उनका टाइटल हारने का बिफोर रेसलमेनिया, तो कंफर्म बात है रेसलमेनिया में भी हारेंगे या फिर नहीं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रॉक को अगर रोमन हरा देते हैं एलिमिनेशन चेंबर में, तो उसके बाद रोमन रेंस इज ऑन द गॉड लेवल, बिकॉज एक बंदा है पूरी फैमिली में जो कि पॉसिबली आ सकता था और रोमन रेंस को हरा सकता था, डीथ्रोन कर सकता था ट्राइबल चीफ को हेड ऑफ द टेबल से, लेकिन वो भी चीज नहीं होती है। तो कोडी रोड्स मीनवाइल उस पीरियड में एलिमिनेशन चेंबर से रेसलमेनिया तक इतना छोटा सा सुपरस्टार दिखेगा कि इसके बस की क्या है अगर रॉक रोमन रेंस को नहीं हरा पाया। डजंट मैटर कि कैसे भी रॉक हारे उस मैच में, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज द मैच इज नॉट ऑफिशियल, बट मोस्ट सेंस बनती है कि एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रोड्स रॉयल रंबल हारने के बाद चेंबर के अंदर घुसें और क्वालिफाई करें टू बी द नंबर वन कंटेंडर फॉर रोमन रेंस एट रेसलमेनिया, या फिर फॉर द विनर ऑफ रोमन रेंस एंड द रॉक एट रेसलमेनिया। उसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि जो भी बंदा वो एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा वो या तो रॉक से या रोमन रेंस से लड़ेगा एट रेसलमेनिया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार है टेक्निकली जो जिसको एंड करना चाहिए रोमन रेंस के इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन को, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि कोडी रोड्स यहाँ पे टिकने के लिए आए हैं, कोडी रोड्स इतनी जल्दी कहीं जाने वाले हैं नहीं, रॉक काम जानते हैं रेसलमेनिया के बाद उन्होंने गायब हो जाना है। सो टू गिव द टाइटल टू रॉक वो तो एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन एक मैच भी देना मेन इवेंट स्पॉट में रेसलमेनिया की नाइट टू में, जहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत कम चांस होगा रॉक के जीतने का रोमन के अगेंस्ट, कोडी रोड्स को वैसे पीछे फेंक देना लाइन में कि दोबारा वेट कर, आई डोंट थिंक कि जस्टिफाई करता है इस पूरी लॉन्ग टर्म बुकिंग को जो ट्रिपल एच ने करी है कहीं ना कहीं। आई डोंट थिंक एंडेवर, क्योंकि विंस के कंट्रोल में तो कुछ है नहीं कि एंडेवर आके बोल रही है ट्रिपल एच को कि भाई हमें तो बस पैसे बनाने से मतलब है, हमें रॉक चाहिए रेसलमेनिया में क्योंकि उससे ज़्यादा सबसे पैसे बनेंगे हमारे। मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अभी तक जब तक मैच ऑफिशियल नहीं हो जाता एलिमिनेशन चेंबर के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि कोडी रोड्स को भी WWE को यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, बिकॉज AEW से आना WWE में वो इसीलिए था बिकॉज WWE वॉज विलिंग टू गिव कोडी रोड्स एवरीथिंग, वो विलिंग थे, वो रेडी थे कि हम कोडी को बना सकते हैं अपना नंबर वन फेस इन द कंपनी। और अगर एक सेकंड के लिए मैं मान लूँ कि कोडी रोड्स स्टोरी नहीं खत्म कर रहे हैं रेसलमेनिया में, रोमन को कोई और हराने के लिए जाएगा, तो क्या वो सोलो सिकोआ है, जे उसो है, रॉक है? आई डोंट थिंक ये तीनों नाम सेंस बनाते हैं कंसिडरिंग कि आगे की जो लॉन्ग टर्म बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो पॉसिबिलिटीज कितनी ज़्यादा बन सकती हैं। तो कोडी रोड्स को वापस बुलाया गया था एक पर्पस से, एंड दैट वॉज टू कम्प्लीट द सर्कल एंड फिनिश हिज स्टोरी जो इतने टाइम में नहीं हुई, ताकि वो द बिगेस्ट कंपनी द बिगेस्ट फेस इन दिस WWE कंपनी बन सकें, एंड ही कैरीज दैट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो उनका हमेशा से अमेरिकन ड्रीम रहा है। आई थिंक कि WWE के पास बहुत ज़्यादा हैवी डिसीजन मेकिंग है एट स्टेक। आई डोंट थिंक कोडी वर्सेज रोमन एलिमिनेशन चेंबर में होगा, उसका कोई चांस नहीं मुझे दिख रहा, बिकॉज कोडी अगर पहले ही हार चुके हैं तो उनकी रेसलमेनिया के लिए कोई फ्यूड ऐसी नहीं बचती जो रोमन रेंज से बाद एकदम वो जाएं किसी से लड़ें और उसमें सेंस बने। आई थिंक कि रॉक वर्सेस रोमन चेंबर में होगा, या तो भाई अगले साल वेट करो, अभी 2024 में रेसलमेनिया के बाद करो कभी जब रोमन टाइटल हार जाए, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी बोला है रॉक वर्सेस रोमन को चैंपियनशिप उतनी नहीं चाहिए जितनी रोमन वर्सेस कोडी को चाहिए, क्योंकि कोडी हैज़ टू विन दैट चैंपियनशिप और उसके बाद वो फुल टाइम ग्राइंड एज द टॉप गाय ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। कोडी रोड्स बनेंगे, मे बी वो अपना नया बेल्ट का डिज़ाइन लेके आएंगे जिसको वो कैरी कर सकते हैं, नई लेगेसी फॉर्म करेंगे और रोमन रेंस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन और फ्यूड्स में, नॉट एज द चैंपियन। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कॉमेंट्स में, क्या है जो रीजन्स हैं कि क्यों कोडी रोड्स इंसान बनना चाहिए जो रोमन रेंस को, जो उनकी स्टोरी है खत्म करे, उन्हें डिफीट करे, एंड ही बिकम्स द न्यू यूनिवर्सल चैंपियन और अपनी स्टोरी भी फाइनली वो खत्म करें। बिकॉज एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि अगर इस रेसलमेनिया में कोडी डज नॉट फिनिश स्टोरी, तो वो उस पॉइंट पे जोक बन जाता है, फिर WWE हमें वेट करा रही है और कोडी रोड्स जब तक स्टोरी नहीं फिनिश कर लेंगे ऐसा लगेगा कि कुछ भी और वो कर लें कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज वो स्टोरी क्यों नहीं खत्म कर रहे अपनी, हर कोई उनको ट्रॉल करेगा एंड इट ऑल बिकम्स अ जोक। तो अगर उसको टॉप बेबी फेस बनाना है, अगर एलिवेट करना है, जो उसको देना है वो देना ही है, देन कोडी रोड्स हैज टू बीट रोमन रेंस और वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ही होना चाहिए, बिकॉज उसी से कोडी रोड्स की स्टोरी एक्चुअली में खत्म होगी। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइज,
और जैसा कि मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट पर चैनल पर बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।